आज की कहानी है। सासू माँ, आप घर में रोज रोज पूजा क्यों रखती हो? दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए, ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। बहू, अभी तैयार होकर कहाँ जा रही हो? तुम जानती हो ना, आज घर में पूजा है। निकलने को तैयार काजल से पुष्पा जी ने पूछा तो उसने तुरंत पलट कर जवाब दिया, माँ जी पूजा है तो क्या मुझे उसमें बैठना है? आपको और पापा जी को पूजा में बैठना, वैसे भी मेरा घर जाना जरूरी है। मेरे कुछ कागज छूट गए, घर उसे लाना है। अगले हफ्ते में मेरा इंटरव्यू है तो बहू कल चले जाना, जो भी कुछ छूटा है उसे कल ले आना। पुष्पा जी ने बड़े प्यार से समझाया तो काजल को जाने क्या भूत सड़ाता, तुरंत बोल पड़ी, माँ अब क्या कहीं आने जाने के लिए मुझे आपकी परमिशन लेनी होगी, माफी चाहूंगी माँ, ऐसे में नहीं रह सकती, बहू को नौकर नहीं। लेकिन मैंने ऐसा क्या कह दिया बहू? बस आज घर में पूजा है इसलिए तुम्हें रोक रही हूँ। और ये पूजा अभी सासू माँ की बात पूरी भी नहीं हुई कि काजल फिर बोली, माँ पूजा कभी रिश्तेदार, कभी कुछ, कभी कुछ, ऐसी दुआई तो आपके पास रोज रहेगी। कब तक मैं अपना सारा काम पेंडिंग में रख कर आपके लिए घर में रुकती रहूंगी? काजल की बात सुन पुष्पा जी संत रह गई। अभी एक महीने ही पहले तो बहू को ब्याह कर लाई थी वह भी बेटे की जिद की वजह से, उसकी पसंद के लिए बिना बिरादरी के परवाह किए विजयती विवाह के लिए भी तैयार हो गई थी। याद आ गया कैसे नन्हे से बेटे को लेकर आई थी इस घर में। रोहित के जन्म के बाद से ही उसकी दुल्हन का सपना देखा था। उन बीते पलों को याद कर वो बिलख पड़ी। काजल बैग उठाकर निकलने को तैयार हुई तभी रोहित ने उसे रोका, काजल ये कैसे बात कर रही हो माँ से? तुम बेटे को देख पुष्पा जी बिलख पड़ी। रोहित ने माँ को संभालने की कोशिश की तो पुष्पा जी ने बेटे का हाथ झिड़क दिया, हट जा तू, एक तो जबरदस्ती का ब्याह उस पर बहू की ऐसी बैरों की क्या, इसी दिन के लिए बहू बना कर लाई थी मैं इसे। रोहित क्या कहता सुप गया और काजल बिना कुछ कहे सुने निकल पड़ी। कुछ देर बाद मायके पहुंची तो माँ ने बेटी को गले लगा लिया। इकलौती बेटी कि ब्याह कर भेजा तो घर बिल्कुल सुना हो गया। बेटी का हाथ पकड़ बिठा लिया अपने पास। सुन घर में कैसे हैं सब? रोहित, रोहित क्यों नहीं आया तुम्हारे साथ? और बहन जी भाई साहब कैसे हैं? बेटे के ससुराल का सारा हाल एक सक जान लेना चाहती थी वह। उनकी बात सुन काजल सीढ़ सी गई। सीढ़ते हुए बोली, मम्मा प्लीज अभी वहाँ की बातें ना करो माँ, सवालों के जवाब देते देते थक गई हूँ। बेटी की बात सुन हैरान अनामिका जी बेटी को हैरान होकर देखने लगी। काजल ये क्या बेटा, ऐसे कौन बात करता? कुछ हुआ है क्या वहाँ? होगा क्या मम्मा? वही सास बनने का शौक में आज यहाँ आ रही थी और सासू माँ मना कर रही थी घर में पूजा तो तुम रुकी क्यों नहीं? अगर घर में पूजा थी तो तुम्हें आज कहीं नहीं जाना चाहिए था ना। सास है लेकिन वह भी एक माँ है, उनकी सुननी चाहिए थी तुम्हें। माँ तो क्या, मैं अपनी सासू माँ के हिसाब से चलू? उठू बेटी, वो ना कहे तो मैं कहीं बार ना जाओ वहाँ। रविश मम्मा बेटी की बात सुनाना मीका जी के पैरों तले जमीन खिसक गया। बेटी की खींच के एक तमाशा गाल पर दिया और बोली, वाट रविश, अगर पुष्पा जी ने पैर नहीं की होती तो तुम्हारी शादी नहीं होती, समझी? तुम्हें और रोहित को नहीं पता लेकिन वो मुझसे मिली थी और तुम दोनों की खुशियों की दुआई देकर मुझसे शादी की बात करने के लिए घर आने की कहा था। तब मैं और तुम्हारे पापा गए थे शादी का प्रस्ताव लेकर। शर्म आनी सही एक माँ के लिए ऐसे शब्द बोलने के लिए। सली जवाब तुम यहाँ से उनके साथ तुम बदतमीजी कर आई
तो इस घर में भी तुम्हारे लिए जगह नहीं है, समझी। माँ की बात सुन काजल सूप हो गई, आंखों से आंसू बहने लगे, जल्दी से घर की तरफ भागी। कुछ फल और मिठाई लेकर गौर पहुंची, देखा पूजा शुरू हो चुका था। झटपट रसोई में गई, सारा सामान थाली में डालकर ठाकुर जी के सामने भोग के लिए रख दिया। कमरे में जाकर साड़ी पहन अच्छे से बना श्रृंगार कर बैठ गई पूजा में। उसी देख पुष्पा जी हैरान थी, लेकिन खुश भी। बहुत बदली बदली और खिली खिसी लगी उन्हें अपनी बहू। पूजा के बाद जाकर सासू माँ के पैर छूकर माफी मांगा और बोली, माँ मुझे माफ कर दीजिए, शायद मैं ही आपकी बेटी नहीं बन पाई। अपने आप को बहू के रूप में लेकर इस घर में आई, आपने तो मुझे शादी के पहले ही बेटी के रूप में अपना लिया था। मैं ही कहते कहते बिलख पड़ी काजल। पुष्पा जी ने उसे सीने से लगा लिया। पगली कहीं कि आज की पूजा भी मैंने तुम्हारे लिए रखी थी, ताकि अगले हफ्ते तुम्हारे इंटरव्यू में तुम्हें सफलता मिले। मेरी बेटी को हारते मैं नहीं देख सकती, सुबह कहना चाहती, लेकिन तुम इतनी जल्दी निकल गई, क्या कहती बेटा। मेरे लिए तो तुम दोनों मेरी दो आंखों की तरह हो, कहते हुए पुष्पा जी ने बेटा बहू को गले लगा लिया। पूरा घर आंगन माँ बेटी की खिल खिलाड़ से गुलजार हो गया। कुछ देर बाद अनामिका जी घबरे से आई, वह भयभीत थी कि बेटी को इतना कुछ कहाँ जाने कहाँ होगी। यहाँ बेटी का ये बदला रूप बना श्रृंगार देख समझ गए कि बेटी को सद्बुद्धि आ गई थी। उन्हें तो सुबह ही समदन ने फोन पर कर पूजा में आने का निमंत्रण दे दिया था। मम्मी आप आइए ना, आपको आना था, या तो मुझे नहीं बताया, क्यों बताती मुझे। मेरी बड़ी दीदी ने बुलाया था और बताया था कि तेरे लिए पूजा रखी है, और क्या कहती इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कर मेरे पास पहुंची थी। ऐसी सांस किस्मत वालों को मिलती है, उनका दिल दुखाना मतलब ईश्वर का अपमान, सांस समझी। हाँ समझ गई, और बहुत खुश। आज मेरा ख्याल रखने के लिए दो दो माँ हैं मेरे पास, कहते हुए बाहें फैलाकर दोनों माँ को समेट लिया, जैसे सारा आकाश सारी खुशियाँ उसके हाथों में समा गई।